हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 12 नवंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। स्टूडेंट, डेली करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके और स्टेट इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी आप लोगों को कराया जाता है। बिल्कुल कम से कम समय में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। स्टूडेंट, क्लास के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा राज्य टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? पंजाब। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी है, उसका नाम क्या है? बेला। किस राज्य में कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए 4 दिवसीय लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़ में। भारत और किस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग और बढ़ाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने ये हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? इजराइल के साथ। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए? 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आर हरि कुमार को। आगे डिस्कस करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मोक वॉटर टैंक का उपयोग करके पानी के छिड़काव के आपातकालीन उपाय शुरू किए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। कौन सा देश 2024 में पानी की खोज के लिए चंद्रमा पर रोवर भेजेगा? ऑस्ट्रेलिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? श्रीनगर हवाई अड्डा को। आगे डिस्कस करते हैं। ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है? तो पुरुष में किसको चुना गया है? आसिफ अली, जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और लॉरा डेनाली, ये आयरलैंड की हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के पहले संस्करण में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। आगे डिस्कस करते हैं। मॉडर्न इंडिया फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? पूनम दलाल दहिया। 5G स्मार्टफोन पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? लावा। अगर आपको इन सब के बारे में अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश निम्न में से कौन बन गया है? तो 101वां सदस्य देश बना है अमेरिका। आइए जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए अमेरिका सदस्य देश के रूप में ISA में शामिल हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति के दूत जॉन कैरी ने औपचारिक रूप से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिक में आप देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान महानिदेशक कौन है इसके? अजय माथुर हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाएगा? डेनमार्क। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? कोची इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है? राजस्थान।
100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बना है? तो सूरत, गुजरात। आगे डिस्कस करते हैं, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां पर है? तो यह है फ्रांस में। किस नदी पर है? रेस नदी पर। भारत के सबसे बड़े फ्लोंटिक सोलर प्लांट यानी कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तेलंगाना में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोंटिक सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है सिंगापुर में। आगे डिस्कस करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा, अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में, हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप या बिग आइलैंड कहाँ पर है? तो ये है प्रशांत महासागर में और ये अमेरिका का एक प्रांत है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? तो 50, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो अलास्का है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। अमेरिका के किस शहर में वैदिक स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? शिकागो में। आगे डिस्कस करते हैं अमेरिका के बारे में, यह है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। चलिए, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आइए जान लेते हैं इसके बारे में, 11 सितंबर 2008 को केंद्र सरकार ने अबुल कलाम आजाद की जयंती 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तभी से देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने आजाद के नेतृत्व में ही 1951 में देश का पहला आईआईटी संस्थान स्थापित किया। इसके बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया। 1947 से 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो याद रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे डिस्कस करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1992 में। साप्ताहिक उर्दू भाषा का अखबार अल हिलाल को किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखिएगा, आजाद द्वारा ही इसको प्रकाशित किया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में, और दूसरी कब आई? 1986 में। नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है, किस समिति की सिफारिश पर? तो याद रखिएगा, कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर। इसके अंदर शिक्षा पर जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। आगे डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना कब हुई? 2000-2001 में, जिसका उद्देश्य था देश के हर बच्चे को शिक्षा देना। 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 से क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पुष्कर मेला लगता है राजस्थान में। एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो वो कहाँ पर है? पुष्कर में है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख मेले जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्पेशल डोज फोर एग्जाम में। कुंभ मेला 4 जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। 4 जगह कौन कौन सी हैं? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। सोनपुर मवेशी मेला कहाँ लगता है? तो बिहार में, गंगा और गंडक नदी के मिलन स्थल सोनपुर पर हर साल ये मेला लगता है। ये मेला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, हेमिस गोम्फा मेला कहाँ लगता है? लद्दाख में, बौद्ध समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। अंबुवाची का मेला असम में लगता है।
सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला हरियाणा में लगता है, माघ मेला प्रयागराज में, चंद्रभागा मेला राजस्थान में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनडीआरएफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एनडीआरएफ के नए प्रमुख बने हैं अतुल करवाल, पिक में आप इनको देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक अतुल करवाल को एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं एनडीआरएफ के बारे में। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, इसकी स्थापना 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक वर्तमान में कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अतुल करवाल। आगे डिस्कस करते हैं, हाल ही में नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा? आर हरि कुमार को। आईपीएस अधिकारी सील वर्धन सिंह को सीआईएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी संस्थानों की सुरक्षा करना है। गठन कब किया गया था? 10 मार्च 1969 में। संचालन मंत्रालय कौन सा है? तो याद रखिएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है दिल्ली सरकार द्वारा। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार की एक पहल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को मिल रहा है या नहीं। अब डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। योजना के तहत लगभग 800 श्रमिक मित्र राष्ट्रीय राजधानी में सभी निर्माण श्रमिकों के घर घर जाकर उन्हें श्रमिकों के हित में कई सरकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। सरकार द्वारा लगभग 800 श्रमिक मित्र नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। हाल ही में न्यूज में रही दिल्ली, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन सतर्क नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया? दिल्ली सरकार ने। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ शुरू की गई? दिल्ली में। हाल ही में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? राकेश अस्थाना। कौन सा राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। यह है मैप में दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल अनिल वेजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था 1899-1900 में छोटा नागपुर यानी कि झारखंड क्षेत्र में। बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को एक अन्य नाम से जाना जाता है, उल गुलान। धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 1875 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से रवाना की गई? तो ये रवाना की गई है सफदरगंज रेलवे स्टेशन, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। यह ट्रेन 17 दिनों में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी और पूरे दौरे में लगभग 7500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। यह ट्रेन पर्यटकों को प्रभु श्री राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या, नंदीग्राम, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, श्रृंगबेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम का भ्रमण में दर्शन कराएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ये जो जितने भी मैंने धार्मिक स्थान आपको बताए हैं ये किस किस राज्य में हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चार धाम परियोजना निम्न में से कौन सा एक स्थल नहीं आता है? तो इसमें बद्रीनाथ आता है, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, रामेश्वरम इसमें नहीं आता है। अब चार धाम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो चार धाम परियोजना का उद्देश्य हिमालय में चार धाम तीर्थ स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना और जिससे इन केंद्रों की यात्रा सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक हो सके। आगे डिस्कस करते हैं। हाल ही में, अब ये न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत चीन सीमा की ओर जाने वाली चार धाम परियोजना के तहत सड़कों के विस्तार के सेना के अनुरोध के संदर्भ में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने की आवश्यकता की बात कही है, इसलिए ये न्यूज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। IBM ने कहां पर एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? मैसूर में। IBM कॉर्प ने बेंगलुरु से बाहर के शहरों में परिचालन स्थापित करने के लिए और कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं IBM के बारे में। IBM कॉर्प के CEO कौन है वर्तमान में? अरविंद कृष्णा है। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1911 में स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत और किस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्योग से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है? तो ये किसके साथ हुई है? अमेरिका के साथ। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के तहत यह पहला करार है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हसे कला एक अनूठी चित्रकला शैली है, भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा जिले और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। पिक में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद और शिक्षक और दार्शनिक कोनेरू रामकृष्ण राव का हाल ही में निधन हो गया है। पिक में आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जिन्होंने हाल ही में अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक लॉन्च की है, पुस्तक का नाम क्या है? सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन अवर टाइम्स। पिक में आप बुक्स को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उनके आंसर एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामूर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत के एजुकेशन सिस्टम पर किसने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास जारी की है? यूनेस्को ने। आगे डिस्कस करते हैं। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है? कर्नाटक में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान करती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो है जिप्सम। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला में। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले करंट अफेयर के दो क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के पावन अवसर पर कितनी नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की? हाल ही में नजला वॉर्डन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल में पिपली नामक स्थान जो बंगाल में है वो किस लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इन सभी के आंसर आपको कहाँ देने हैं? कमेंट्स बॉक्स में। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से इनके सही से आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देना, क्योंकि आंसर लिखने से क्या होता है, आंसर आपको याद हो जाता है। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।